हे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके इस खास शो में। मैं सीए विकास सोमानी आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, मान लो एक बंदा है, वो हर महीने कुछ सेविंग करता है, छोटी छोटी सेविंग करके वो चाहता है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकूं। लेकिन क्या हो उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। दोस्तों, सपोज करो वो बंदा हर महीने 5,000 रुपए की सेविंग करता है और लास्ट 2 साल से वो सेविंग करता हुआ आ रहा है। इसका मतलब उसने आज तक 1,20,000 रुपए की सेविंग कर ली। लेकिन अगर उसके घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, 2,00,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। अब सोचो, जो 1,20,000 की आपके पास सेविंग थी वो तो खत्म हो गई, और इवन आपको 80,000 रुपए का लोन तक लेना पड़ गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आज के टाइम पे आपको अपनी वेल्थ पे कोई असर ना पड़े, इसीलिए उस वेल्थ के पीछे एक गार्ड छोड़ना चाहिए, ताकि वो गार्ड हमारी वेल्थ को अच्छे से संभाल सके, सेफ रख सके। इस गार्ड का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, आज के टाइम पे लोगों के बीमार पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है उसे कोई मैटर नहीं करता, आपको हर किसी बंदे के लिए क्या लेनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। लेकिन जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूं तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सर, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? वो 6 क्वेश्चन मैं आपके सामने डील करने जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि सर हेल्थ इंश्योरेंस ले तो ले, लेकिन हमें थोड़ा सा समझ तो होना चाहिए कि सर कैसे, किस हिसाब से हमें पॉलिसी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, 6 क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नंबर 1, सर कितने रुपए की पॉलिसी ले। सेकेंड, कितनी जल्दी पॉलिसी हमें लेना चाहिए। सर, उम्र क्या होती है पॉलिसी लेने की। थर्ड, सर मेरी फैमिली बड़ी है तो मैं फैमिली के लिए पॉलिसी लूं या सिंगल पॉलिसी लूं। 4 नंबर क्वेश्चन, सर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, क्या हम उनके लिए अलग से पॉलिसी ले या उनको भी हम फैमिली में शामिल करें। सर, क्या हमारी फैमिली की जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में भी मुझे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन, सर मैं एक सैलरीड पर्सन हूं तो सैलरीड पर्सन को क्या अलग से कोई इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए या उसी से काम चल जाएगा। इन 6 क्वेश्चनों के मैं जवाब देने वाला हूं। एक एक करके हम जवाब लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी क्रिएट करनी चाहिए। नंबर 1, कितने रुपए की पॉलिसी ले। दोस्तों, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको 10,00,000 रुपए तक की इंश्योरेंस को कवर करना चाहिए, 10,00,000 रुपए तक की कवरेज आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप अदर देन मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो मेरा मानना यह है कि आप 5,00,000 रुपए तक की भी इंश्योरेंस लेते हो तो भी काम चल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना जल्दी। आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको हर साल प्रीमियम पे करना पड़ता है, और वो प्रीमियम क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। जितनी कम एज होगी आपका प्रीमियम भी उतना कम होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका प्रीमियम भी ज्यादा आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फैमिली प्लान लूं या सिंगल प्लान। देखो दोस्तों, आपको पता है सिंगल प्लान बहुत ज्यादा कवरेज करता है, फैमिली प्लान कवरेज तो करता है लेकिन इतना ज्यादा कवरेज नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप चाहते हो कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है और अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको फैमिली प्लान में जाना चाहिए। 4th क्वेश्चन ये आता है कि बड़े बुजुर्गों के लिए अलग से कोई प्लान है क्या, या उसको फैमिली में शामिल करनी। सॉरी, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो उनके बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी बाकी के मुकाबले में ज्यादा होती है, तो इसीलिए स्पेशल रिकमेंडेशन है कि आपको उस
उस सीनियर सिटीजन के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, ना कि उसको फैमिली में कवर करना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट, वो अगर बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा है तो उनके लिए कवरेज भी ज्यादा चाहिए। तो सीनियर सिटीजन के लिए आपको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, ना कि सब में शामिल कर लेना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन जो आता है वो है, सर फैमिली हिस्ट्री को देखना है या नहीं देखना? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली का बैकग्राउंड अगर देखें, तो आपको लगता है कि यार हमारी फैमिली में तो आए दिन कोई ना कोई तो बीमार पड़ता ही रहता है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना ही करना पड़ता है। तो अगर आपकी फैमिली में बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें बीमारी चलती रहती है, हॉस्पिटलाइजेशन करना चलता रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा यह मानना है कि आप अगर फैमिली प्लान लेते हो तो आपको ज्यादा पैसों का फैमिली प्लान लेना चाहिए, क्योंकि आपके बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में कम इंश्योरेंस अमाउंट लोगे तो आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको आपका ऐसा बैकग्राउंड है तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप ज्यादा कवरेज वाली इंश्योरेंस अमाउंट लो। उसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन, वो है सैलरीड एम्प्लॉय। सर सैलरी एम्प्लॉय, मान लो सर मैं तो एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं और उस कंपनी ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रखा है जो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है, तो क्या मुझे अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है क्या? तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कंपनी ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रखी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट इनसफिशियंट है मेरी फैमिली के मुकाबले, तो ऐसी सिचुएशन में मेरी पर्सनल राय यह रहेगी कि उस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको एक टॉपअप प्लान लेना चाहिए जो उसके साथ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जिससे आप अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले के मुकाबले में ज्यादा कवरेज कर पाओगे। तो दोस्तों ये 6 बातें मेरे को लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने ये 6 बातें आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको नॉलेज क्रिएट हुआ, तो जरूर जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।